हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। कितना भी गंदा फ्रिज होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रिज कितना गंदा हुआ पड़ा है, तो 5 मिनट में आप उसको फटाफट क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एक ये देखिए पेप्सी की बॉटल थी, कैन थी, जो कि इसमें फट गई थी, और कितना गंदा दिख रहा है ये फ्रीज़र। पाँच मिनट में आपका फ्रिज चमक जाएगा एकदम। यहाँ पे जो मैंने पानी में यूज़ किया है वो वाइट वेनेगर यूज़ किया है, जिससे कि फ्रिज में बहुत शाइन आ जाएगी। कितना भी गंदा फ्रिज होगा, बहुत जल्दी से आपका फ्रिज क्लीन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको एक स्पॉन्ज ले लेना है, स्पॉन्ज वाला कपड़ा लेना है और अच्छे से क्लीन कर देना है उसको। देखिए सारी गंदगी इसकी कितनी जल्दी से निकल गई है। कितना गंदा अभी फ्रीजर दिख रहा था, जो कि बिल्कुल चमक रहा है एकदम। इसके बाद में हम फाइनल टचअप भी देंगे इसको। अब थोड़ी देर इसको ड्राई करने के लिए हमें रख देना है, छोड़ देना है ऐसे ही खुला। अब एक सूखा कपड़ा लेकर के बस अच्छे से पोंछ देना है इसको बस। वेनेगर डालने से शाइन तो आती है, साथ साथ में इसके जो बैक्टीरिया हैं वो भी सब निकल जाते हैं, इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। और आपका फ्रिज बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आपकी जो सामान है वो भी इसमें आप जब रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, अच्छी सी खुशबू देगा। देखिए ट्रे को भी क्लीन कर लिया था इसी तरीके से। जो कपड़ा हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो कॉटन का यूज़ करना है, तो सूखे कॉटन के कपड़े से इसको पोछ पोछ के हम सेट कर देंगे। देखिए फ्रीजर एकदम क्लीन हो गया है। अब आइए नीचे का एरिया, फ्रिज का एरिया हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए कितने फैला हुआ सामान था इसके अंदर, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है, कहीं हम बाहर चले जाते हैं, कुछ चीज़ें गलती से अंदर रह जाती हैं जो कि हम देख नहीं पाते, जिसकी वजह से फ्रिज हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है। तो आप 5 से 10 मिनट में फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इसी तरीके से। मैट मैंने यहाँ पे बिछाए हैं क्योंकि डायरेक्ट ग्लास आपका गंदा नहीं होता है, मंथ में अगर आप एक बार भी ग्लास को पोछेंगे तो भी वो बिल्कुल साफ दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक के मैट का यूज़ करती हूँ और फ्रिज थोड़ा देखने में भी अच्छा दिखता है। देखिए फ्रिज पूरा क्लीन हो चुका है, कितना शाइन कर रहा है फ्रिज हमारा। बास्केट वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुकी है। अब सामान को देखिए मैंने कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। ये मैंने यहाँ पे ज़िपर लिए हुए हैं, ज़िपर वाले बैग का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेजिटेबल रखने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से दिखाई पड़ रही है कि इसमें क्या सामान रखा है। देखिए नीचे यहाँ पे मैंने धनिया रखा है, उसी में पेपर से रैप करके ऊपर से मैंने यहाँ पे करी लीव्स भी रख दी हैं। एक बॉक्स में ही दो काम हो गए हमारे। अब बाहर से भी इसको हम कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लेंगे।
थोड़े से मैग्नेट मैंने यहाँ पे लगाए हैं, जिससे कि फ्रिज का बाहर से भी लुक थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, अच्छा आ जाता है बाहर से लुक। मुझे पसंद है ये छोटे छोटे मैग्नेट लगाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन में जाकर के बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए कितने अच्छे से फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है, फ्रीजर से लेकर के फ्रिज तक सब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। सारा सामान जो कि फैला हुआ था कितने कायदे से सेट हो गया है, और कितना स्पेस भी दिख रहा है फ्रिज के अंदर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।